लखनऊ में मशहूर हेयर कटिंग करने वाले जावेद हबीब अपनी फ्रेंचाइजी के 1 साल पूरा होने पर यहां अमीनाबाद पहुंचे, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान दानिश आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस छोटे से उद्योग को बढ़ावा दे रही है और जावेद हबीब के एक छोटे से काम को एक नई पहचान दी है, साथ ही रोजगार देने का काम कर रही है। इसके बाद अखिलेश यादव के आलू के सवाल पर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बेरोजगार है और मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा अनुभव रहा, जावेद हबीब साहब को पूरा देश जानता है और हम सब इस उद्योग को आप देखिए कि ये उद्योग जो एक नाई बिरादरी का उद्योग, जो एक छोटा उद्योग माना जाता था, इसको कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज ले जाया गया है। और इसी तरह हम अपने छोटे छोटे उद्योग जो हमारे समाज से जुड़े हैं उनको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं, इससे हमें सीख मिलती है। और नाई है चाहे हमारे मोची बिरादरी है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको आगे बढ़ा के उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ले जाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आगे जिसने बताया तेल, लोग सोचते हैं कि मेरी दादी ने तेल लगाया, उनके बाल अच्छे थे, उस टाइम हमारी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, तो तेल लगाने का तरीका सीखते हैं। पहली बात तो लंबे बाल हमारा यहाँ का कल्चर है जिसको मैं मना नहीं कर सकता। तेल लगाओ लेकिन रोज तेल लगाओ, लेकिन गीले बालों पे तेल लगाओ और रोज शैम्पू करो। मैं क्या बोलता हूँ, शैम्पू रोज करो, ये ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। हर आदमी पता क्या ज्ञान देता, मेरा शैम्पू लगाओ सबसे अच्छा। मैं पता क्या बोलता हूँ, शैम्पू लगाओ कोई सा भी लगाओ, लेकिन शैम्पू से पहले तेल जरूर लगाओ।